गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना आपके पास? हेलो, आवाज आ रही है ना आपके पास? यस मैम। चलो ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे आपके जो पार्ट संख्या 3 है उनके जो कवि हैं उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी गई जो कविता है उसका परिचय। कल अपन ने पढ़ा था पाठ संख्या 2 जो थी आपकी उसके बारे में। तो पाठ संख्या 3 जो है उसके कवि है आपके कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, अब कुंवर नारायण जो है इनका जीवन परिचय और इनका जो साहित्यिक परिचय है उसका अध्ययन जो है वो अपन आज करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कुंवर नारायण का जो जन्म है वो आपके 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके क्या है काव्य संग्रह है। तो इन काव्य संग्रहों के जो नाम है वो आपको ध्यान होने चाहिए। आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार सामान्य, ये इनकी रचना है। तो इस प्रकार से इनकी काव्य संग्रह, प्रबंध काव्य, कहानी संग्रह और समीक्षा ग्रंथ जो है वो सभी अलग अलग है। तो इन सभी को आप जो है वो ध्यान रखें, अलग अलग को याद करें। प्रमुख पुरस्कार है इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इनका इम्पोर्टेंट है और ये इन्हें 2005 में मिला था। न जाने कब से बंद एक दिन की तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से घटी एक पुरानी किताब। तो न जाने कब से बंद, अर्थात कहने का मतलब यहाँ बंद दरवाजा कमरा कहने से मतलब मन से, कि मेरा जो मन था वो पता नहीं कब से बंद था और एक दिन अचानक जो है उसमें रचना करने की जो इच्छा है वो जागृत हुई। जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, जिस प्रकार से गर्द के कारण, धूल मिट्टी के कारण कोई किताब जो है वो बंद हो गई हो और वो किताब भी कैसी है, पुरानी है, जो काफी समय से खोली नहीं गई थी, अर्थात उनका मन जागृत हुआ और वो रचना के क्षेत्र में अग्रसर हुए। गर्द से ढकी है पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। तो इन्होंने काव्य लेखन का प्रारंभ कब किया कुंवर नारायण ने, सन 1950 में। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है, यानी विशेष तौर से उन्होंने क्या लिखी है, कविताएं लिखी है। उनको नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो अब देखिए इनका जो आत्मजयी प्रबंध काव्य है, देखिए शैली पूछी जा सकती है इसकी कि आत्मजयी काव्य जो है कौन सी शैली में लिखा गया है, तो प्रबंध काव्य शैली में लिखा गया है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मजयी जो रचना है वो किन की है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझा अखबारी सतह पर और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो ये उनकी कविता की विशेषता है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन इनकी रचना में मिलता है।
भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संयम, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। तो उनकी कविता के जो बीज शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लो, संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द है। ये भी छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही आपको उनके परिचय में भी काम आएगा। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। तो किस संवेदना के कवि हैं? नागर संवेदना के, नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खशो, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के अलमोड़ों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब ये था कुंवर नारायण का जीवन परिचय जो अपन ने देखा। अब इनमें से जो है आप लोगों ने देखा कि कुंवर नारायण किस प्रकार के कवि हैं, क्या उनकी कविताओं के विषय रहे हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। अब है उनकी कविता का परिचय। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो पहली जो आपकी कविता है कविता के बहाने किससे ली गई है? इन दिनों संग्रह से ली गई। ये बात आपको याद होनी चाहिए। प्रसंग लिखते समय आपको बताना पड़ेगा कि कविता के बहाने जो कविता है इनकी इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता यानी आजकल जो यंत्र माध्यम चल रहे हैं ना, उनके लिए, मशीनों के लिए। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। देखो कविता के बहाने क्या है, एक यात्रा बताया गया है इसको, जो चिड़िया के बहाने, फूल के बहाने और बच्चे के बहाने, तीन चीजों से की गई। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि तीन चीजों का वर्णन इसमें आया है, चिड़िया का, फूल का और बच्चे का। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। तो कविता में उपकरण मात्र क्या है? जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, ये सभी क्या है? आपके उपकरण मात्र है और भविष्य। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। अब दूसरी जो इनकी कविता दी गई है, बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में तथ्य और माध्यम के द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात हो गई है। तथ्य और माध्यम के बीच में क्या आया है? द्वंद आया है और भाषा की सहजता जो है उसे इसने बताया गया है। अब बात सीधी थी पर ये आपकी किस संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। तो इसलिए ध्यान रखना कि दोनों कविताएं अलग अलग स्थान से ली गई है और इनका जो संग्रह है उसका नाम अलग है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है।
तो अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, इसको अंडरलाइन करना। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों कविताओं के बारे में बताया गया है। पहली जो कविता है कविता के बहाने इन दिनों संध्या से ली गई है, और दूसरी जो कविता है पार्श्वती थी पर कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। ये चीज भी आपको प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है, तो इनको भी आपको अच्छे से याद कर लिया। अब देखते हैं कि कुंवर नारायण के जीवन परिचय के कौन कौन से पॉइंट जो है वो अपन को लिखने हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि कुंवर नारायण जो है वो आपके आधुनिक काल के कवि हैं, ये पहला पॉइंट अपना बनेगा। दूसरा जो पॉइंट है इनके जन्म का 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है अपन लिखेंगे कि 30 से 60 के कवि थे। आपके 4 शतक हुए थे जिन्हें 60 शतक कहा जाता है, जिसमें 7 कवियों का समूह हुआ करता था। तो उस समूह में तीसरा जो 4 शतक है उसके ये कवि हैं। तो ये तीसरा पॉइंट कर देंगे, आपको याद के ले जाएंगे कि तीसरा 4 शतक, और तीसरे नंबर पे ही इस पॉइंट को अपन ले लेंगे। तो तीसरे तार शतक के कवि है। चौथा जो पॉइंट है वो अपन लेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं जो है इनमें आपके चक्रव्यूह 1956, इसका सन दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए सर कि सन भी आपसे पूछा जा सकता है, चक्रव्यूह की रचना किस सन में हुई, तो 1956 में। ये तब पूछा जाएगा जब बहुत डीपली वो जाता है, तब आपसे सन पूछेगा, वरना सीधा ही रचना का नाम पूछेगा। परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों। अब देखो कोई दूसरा नहीं, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और इन दिनों भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आप जो है कर लेना। फिर है आपका आत्मजयी। आत्मजयी जो है प्रबंध काव्य, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि आत्मजयी जो है इसको आप अलग से दिखा दें, और अलग से दिखा करके अलग पॉइंट बना करके इसको लिख दें कि आत्मजयी प्रबंध काव्य है जो प्रबंध शैली में लिखा गया है। फिर इनका एक मात्र कहानी संग्रह है, इसे भी आप अलग से दिखाएं। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें ये पॉइंट बन जाएंगे, या आप चाहें तो संख्या भी अलग से इनकी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो कहानी संग्रह उसका एक का ही नाम आया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये इनका समीक्षा ग्रंथ है, और मेरे साक्षात्कार ये सामान्य है। अब देखिए इसमें से जो भी 3-4 आपके इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लेना, लिख सारे लेना, ठीक है। अब है आपकी प्रमुख पुरस्कार। तो इनको जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, कुमार भाषण पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, प्रेमचंद पुरस्कार है, लोहिया सम्मान है, कबीर सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप इनमें से भी 2 पुरस्कारों के नाम याद कर लेना, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार का और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सन 2005 में इनको मिला है, ये 2 नाम जो है वो आप इनको अलग से याद कर। तो ये आपका पुरस्कार वाला जो है वो 5वां अलग से बन जाएगा। फिर इसके बाद है कि कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास अपने लेखन का कार्य, अब ये आसपास रहने देना, आप सीधे लिख देना कि कुंवर नारायण ने सन 1950 में लेखन कार्य प्रारंभ किया। अब इस पॉइंट को अगर आप चाहें तो 4 नंबर पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि रचनाएं बताने से पहले हम इस चीज को बता सकते हैं कि उनका जो लेखन कार्य है वो सन 1950 में प्रारंभ हुआ है, और चाहे तो आप इसको पीछे भी रख सकते हैं। अब है इनकी कविता की जो विशेषता है, उसमें कविता इनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक ढंग के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। अगला जो पॉइंट होगा 7 नंबर पे वो आप इसको लिख सकते हैं। 8वां जो पॉइंट होगा उसमें आप लिख सकते हो कवि संशय संभ्रम प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द है।
तो इस तरीके से 8 नंबर पे आप इस पॉइंट को डाल सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा कि कुंवर जी नागर संवेदना के कवि हैं, 9 नंबर पे अपन इस पॉइंट को डाल देंगे। और 10 नंबर पे जो है इनकी मृत्यु के बारे में दिया हुआ नहीं है, तो आप देख लेना अगर आपको कहीं से मिलता है तो इनकी सन जो है मृत्यु की वो आप लिख सकते हो। और इसी के साथ जो है आपके 9 पॉइंट जो है कुंवर नारायण के जीवन परिचय के बनते हैं। और अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आप इनकी जो कविता के बहाने हैं इन दिनों संग्रह से, हमारे पाठ्य पुस्तक की जो कविता है तो इन दिनों से ली गई है, बात सीधी थी पर ये जो है आपकी कोई दूसरा नहीं से ली गई, लेकिन अगर अच्छे से लिखते हो तो 8 पॉइंट आपके लिए काफी है 3 नंबर। तो ये है इनके जीवन परिचय के पॉइंट। अब है इनकी कविता, तो कविता के बहाने, अब देखो इसमें एक तरफ तो प्रकृति है और दूसरी तरफ जो है अलग अलग चीजों से उनकी तुलना की गई, उनके समाज उनको बताया गया है, विशेष उनको बताया गया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, उड़ान किसको कहते हैं, एक तो होता है उड़ना, एक होता है कल्पना करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अब कविता और चिड़िया दोनों में तुलना की गई है कि कविता एक उड़ान है, यानी कविता तो क्या है कल्पना, और चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया के जन्म, तो चिड़िया तो क्या होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके पहुंच जाती है, लेकिन कविता जो है उससे भी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, तो कहीं भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है, भीतर भी जा सकती है, एक घर में भी जा सकती है, दूसरे घर में भी जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, अब कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यहाँ आपके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कविता क्या है, उसने पंख कैसे लगाए हैं, कल्पना शक्ति के, और कल्पना शक्ति के पंख लगा करके वो कहाँ तक जा सकती है, कितनी उसकी सीमा हो सकती है, ये चिड़िया क्या जाने, चिड़िया तो ये सोचती है कि मैं सबसे ज्यादा दूर तक जा सकती हूँ। ये था आपका चिड़िया और कविता का। अब है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जिस प्रकार से फूल खिलता है जिस प्रकार से फूल खिलता है उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। अब कविता खिलती कैसे है, तो कविता का खिलना कैसे होगा, जब उसे शब्दों के माध्यम से बनाया जाएगा। कविता का खिलना भुला फूल किया जाए, अब फूल तो यही सोचते हैं कि हम ही खिलते हैं, हम ही उसको भी खिलते हैं, लेकिन कविता ऐसा क्या कर सकती है, जबकि कविता जो है वो भी अपने शब्दों के माध्यम से, अपने अर्थ के माध्यम से चारों तरफ अपनी सूरत को बिखेर सकती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, देखो दो लाइनें एक जैसी आई है, यहाँ यमक अलंकार आपके आया है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भी भीतर भी इस घर भी उस घर भी, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, फूल तो क्या करता है कुछ समय के लिए खिलता है और खिल करके फिर मुरझा जाता है, अब इस चीज को जो है फूल क्या जाने। कविता एक बिना मुरझाए महकने के माने, फूल तो कुछ समय के लिए खिलेगा और खिल करके अपने सुगंध देगा और सुगंध देकर के फिर मुरझा जाएगा, लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम है हमेशा वैसी ही तरोताजा बनी रहेगी, उसकी सुगंध उसका अर्थ जो है वो कभी कम नहीं होगा।
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कविता तो क्या है, एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर बह गई, ये था आपके फूल से उनकी तुलना। अब है बच्चे से जो कि देश का भविष्य है और जिनकी जो आशाएं है वो असीम। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कविता को भी एक खेल बताया गया है। बाहर भीतर, जिस प्रकार से कविता बाहर जा सकती है, भीतर जा सकती है, इस घर में जा सकती है, दूसरे घर में जा सकती है, उसी प्रकार से सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। एक कर देने के माने यानी सबको समान मानना, वहां उसकी पहुंच होना। तो एक बच्चा जो होता है उसके लिए सारे घर क्या होते हैं, एक समान होते हैं, और कविता के लिए तो होते ही। तो बच्चे में और कविता में समानता बताई गई है। अब बच्चा जो होता है खेलते समय ये नहीं सोचता कि वो कहाँ है, किसके घर पर है, क्या खेल रहा है, तो वो जो है सिर्फ अपने खेल से मतलब रखता है। वैसे ही कविता जो होती है वो भी क्या करती है, आपके कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पढ़ी जा सकती है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी उसको लिख सकता है, किसी भी तरीके का जो बाउंडेशन है, सीमा है, वो उसके ऊपर नहीं होती है, जिस प्रकार से बच्चे के ऊपर नहीं होती है। अब यहाँ जो है एक पद की व्याख्या जो है वो आपको करनी है, जिसमें से आप जो है उसमें कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इस वाले पद की व्याख्या जो है वो आप अपनी कॉपी में कर लेना। कविता एक खेल है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल के बारे में जो है और कविता के बारे में जो है, ये आप चार लाइनें।